कचहरी का चक्कर, मैं चाहता हूँ कभी किसी को लगाना ना पड़े। छोटी सी गलती में भी जेल जाना पड़ सकता है। इस वीडियो में देखिए जबलपुर की कोर्ट से जेल जाने तक का नजारा। तो गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार रॉ। गाइस आज है संडे, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आज मुझे जाना है कोर्ट किसी की जमानत करवाने। मतलब जमानत मैं नहीं करवाऊंगा, वकील करवाएगा, मैं तो जाके बैठ के प्रोसीजर देखूंगा। दोस्तों जिसकी जमानत हो रही है ना वो थोड़ा जान पहचान का है, देखते हैं आज संडे है जमानत हो पाती है कि नहीं और क्या प्रोसीजर होता है, क्या केस था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल मैं हूं कटंगा के टावर के पास, दिख रहा है दूरदर्शन का बोर्ड। दोस्तों चलते हैं कोर्ट और एक नजारा और दिखाऊंगा मैं आपको। कटंगा के आगे दो दिन पहले आग लग गई थी, कार में चलती हुई, कार में पूरी आग लग गई थी, उसका भी मेरे पास फुटेज है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों गर्मी बहुत है और मैं आ चुका हूँ कोर्ट, और सामने देखिए तो ये कोर्ट है पूरा खाली पड़ा है क्योंकि आज है संडे। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है दोस्तों जबलपुर की कोर्ट जो कि काफी बड़ी है। तो दोस्तों अंदर से भी नजारा दिखाऊंगा और बाहर से देखिए ये बिल्डिंग इस प्रकार, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है कोर्ट की और जो कि काफी मजबूत है और काफी बड़ा कोर्ट बन चुका है ये। और गाइस जैसा कि संडे है ना पूरी खाली पड़ी है, कोई भी नहीं, मतलब है 5-6-7 लोग से ज्यादा कोई नहीं है। और दोस्तों ये है वकील साहब लोगों के लिए चेयर बैठने के लिए, अभी पूरा खाली है क्योंकि आज संडे है। और इस प्रकार है कुछ वकील साहब लोगों के बैठने की व्यवस्था, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, इनमें भी वकील साहब लोग बैठते हैं। दोस्तों ये है जज साहब लोग के रूम और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, इसी प्रकार से पूरा बना हुआ है, अभी नक्शा भी दिखाऊंगा दोस्तों मैं। ये देख सकते हैं बाहर से ऐसा नजारा, अंदर से पूरा राउंड राउंड ऐसा ही बना हुआ है और साफ सफाई बहुत ज्यादा रहती है यहाँ पे। और दोस्तों आने जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं और लिफ्ट भी है। और दोस्तों अंदर जाते ही पंजीयन रूम बना है, पूछताछ रूम बना हुआ है, जैसे कि आज संडे है इसलिए यहाँ पे किसी और लोगों का कब्जा है और ये लगे हैं नक्शे, इनकी मदद से आप जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए एक मुजरिम को ले जा रही है पुलिस कोर्ट में पेश करने। तो दोस्तों संडे के दिन एक कोर्ट खुलती है इमरजेंसी के लिए और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग सब मुजरिम लोग खड़े हैं, हम जिनके लिए आए हैं वो तो अभी आया ही नहीं है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने एक काम निपटाने और आज हो नहीं पाएगी जमानत, तो ठीक आऊंगा आप लोगों को, चलता हूँ बाहर निकलता हूँ फिर बताता हूँ, अभी फिर वापस यहीं आना है। तो भाई बहुत तेज गर्मी लग रही है और मैं जा रहा हूँ कोर्ट से बाहर, कुछ काम आ गया है और जिनकी जमानत करवाने आया था ना वो अभी थाने से ही यहाँ नहीं आए हैं कोर्ट में, शायद आते होंगे लेकिन जब तक मैं अपना पूरा काम निपटा लूंगा फिर वापस यहीं कोर्ट आऊंगा। वैसे एक बात और बताऊं, जिसकी जमानत करवाने आए थे ना उसकी जमानत नहीं हो पाएगी, जो जज साहिबा बैठी है ना वो जमानत नहीं देंगी, आज तो उसे जाना पड़ेगा जेल और कल शायद जमानत हो जाए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, थोड़ा काम निपटा दूं फिर वापस से आते हैं यहीं। तो दोस्तों ये दिख रही है सामने मेन रोड घंटाघर वाली, तो उसी साइड से चलते हैं हम घंटाघर साइड से। तो ये सामने नजर आ रहा है हमारा जबलपुर का घंटाघर और यहाँ से जैसे ही लेफ्ट मुड़ेंगे ना तो ये देखिए राइट साइड में वो बन रही है बड़ी सी बिल्डिंग जो कि सरकारी है। दोस्तों बहुत ही शानदार लग रही है देखने में, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही बड़ी है। और दोस्तों इस रोड का भी नक्शा बदल चुका है घंटाघर वाली। तो दोस्तों इतनी भागा दौड़ी करना पड़ता है ना ये ड्राइवर के जॉब में, तो आप लोग खुद सोचिए कैसे मैनेज करना पड़ता है, मुझे क्या कई ड्राइवर लोग के साथ होता होगा। एक काम छोड़ के आया हूँ, दूसरा काम खत्म करने, ये काम खत्म करके फिर वो वाला काम खत्म करूंगा। चलिए दोस्तों यहाँ का काम खत्म करके मिलता हूँ आप लोगों से कोर्ट में, ओके चलते हैं। और कोर्ट का जो काम है वो भी मेरे काम का ही हिस्सा है, कोई मेरा पर्सनल मैटर नहीं है वो, चलिए चलते हैं यहाँ के काम खत्म करते हैं। तो गाइस 20 मिनट के अंदर मैंने दो काम निपटा दिए और अब मैं जा रहा हूँ वापस से कोर्ट, तो देखते हैं क्या माहौल है वहाँ का और मुजरिम लोग आए हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ कोर्ट दोबारा से और पीछे है घंटाघर, राइट साइड है थाना उमती साइड ये दिख रहा है जो, और सामने लेफ्ट साइड है कोर्ट। तो मैं कोर्ट जा रहा हूँ, चलिए आप लोगों को कोर्ट दिखाता हूँ कितना लंबा है जबलपुर का, ओके चलिए चलते हैं जो नया बना है। तो गाइस ये फर्स्ट गेट, ये है गेट नंबर 1, ये सब बिल्डिंगें देख रहे हैं ना इनके जस्ट पीछे पूरा कोर्ट ही है पूरा। तो ये 2 नंबर गेट आ गया, ये देख सकते हैं बंद है। यहाँ से मुड़ जाएंगे 3 नंबर गेट जहाँ से हम घुसे थे अंदर, और ये ऐसा राउंड करके आगे तक गया है, यहाँ से अंदर घुसने का रास्ता है। ये जो रोड गई है ना यहाँ से सीधे चले जाइए कोर्ट के साइड साइड, ये नई बनी हुई है पूरी। तो गाइस देखिए पुलिस वुलिस की गाड़ी भी आ गई, काफी लोग आ गए अभी, चलिए चलते हैं। अंदर तो घुस चुके हैं और पूरी कोर्ट खाली है और चल के देखते हैं क्या हुआ, जो 28 नंबर कोर्ट है वहाँ जाना है, देखते हैं क्या चल रहा है। दोस्तों कोर्ट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे काफी इंतजार करना पड़ता है, काफी टाइम लगता है यहाँ पे, और हम जिनका इंतजार कर रहे थे वो भाई साहब भी आ चुके हैं, अब इनको पेश किया जाएगा कोर्ट में और ये लगी हैं इनके ऊपर धाराएं। सब में यही धारा लगी है, जे 131, जे 204। और दोस्तों बाहर का मौसम देख सकते हैं आप कितना शानदार हो गया है, पानी भी गिरने वाला है, बादल तो पूरे काले हो चुके हैं ये देखिए। दोस्तों खाली हो चुका है कोर्ट पूरा, सबको जेल भेज दिया गया है और अब इनको भी भेजा जा रहा है जेल जिनके लिए हम आए थे, देख सकते हैं वो जा रहे हैं। और ये देखिए बाहर खड़ी हमारी गाड़ी पुलिस की भी, तो ये जाएंगे पुलिस की गाड़ी में, हम जाएंगे अपनी गाड़ी में।
तो दोस्तों जमानत नहीं हुई, अब ले जा रहे हैं जेल और शायद देखो मैं भी चले जाऊँ पीछे पीछे, अब मैडम जाती है तो भी जाऊँगा मैं, तो फिर सीधे जाएंगे अपने काम देखेंगे, देखते हैं क्या होता है, बताते हैं आप लोगों को। बारिश बहुत तेज शुरू हो चुकी है जबलपुर में जस्ट अभी अभी। दोस्तों अभी टाइम हुआ है 5:25 बस। और दोस्तों सच बताऊं ना, इतना प्यारा मौसम हो गया है जबलपुर का कि देख सकते हैं आप लोग। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं जेल, उनको छोड़ देंगे भाई साहब को जेल तक, हाई कोर्ट होते हुए जाएंगे। ये है स्टेशन का चौराहा रेलवे स्टेशन जो कि काफी बड़ा है। ये आ गए हैं इंदिरा मार्केट। दोस्तों यहीं से है जेल का रास्ता, आगे से मुड़ जाएंगे लेफ्ट, वो दिख रहा है सामने हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल। और दोस्तों मैं यहाँ पे उतर के शूटिंग नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे जेल के अंदर नहीं जाना है, मुझे पता नहीं यहाँ पे अलाउ है कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों ऐसा दिखता है कुछ जेल, और इनके अंदर बहुत सारे कैदी लोग रहते हैं। बाहर से तो अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से इतना अच्छा नहीं है ये। और दोस्तों जबलपुर का मौसम हो गया है सुहाना। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं करेक्ट 6 और कोर्ट की कार्रवाई तो देख लिए होगे आपने, कोई छूट पाता है कोई नहीं छूट पाता, इसलिए अपराध से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसा था थोड़ा सा इसका नजारा कोर्ट का और जेल का। राइट, जैसा कि मैंने बोला था शुरू में कि कटंगा के आगे कार में आग लग गई थी, उसकी भी थोड़ी सी फुटेज है, तो वो देख लीजिए गाइस कितनी भयानक आग लगी थी, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। उसमें कोई नहीं था, दो लोग बैठे थे वो उतर चुके रहे, और बहुत ज्यादा आग पकड़ ली थी गाड़ी में। और फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, आग बुझाई, और ट्रैफिक लग गया था बहुत ज्यादा, और सब अपने अपने घर, खत्म कहानी। तो गाइस फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय हिंद।